बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, इंसान और घोड़े का साथ सदियों पुराना है। ज़माना कदीम से ही घोड़े न सिर्फ सफ़र का तेज तरीन ज़रिया समझे जाते थे, बल्कि जंगों में कामयाबी की ज़मानत भी थे। घोड़े को शाही सवारी के तौर पर भी जाना जाता है और हर दौर में सुल्तानों, महाराजों और बादशाहों के पास पाए जाने वाले घोड़े काफ़ी शोहरत पा चुके हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू महाराजा रंजीत सिंह की वो घोड़ी है जिसको तारीख हिंदुस्तान अस्पे लैला के नाम से जानती है और जिसे पाने के लिए रंजीत सिंह ने 12,000 जाने दाव पर लगा दी थी और कोहे नूर जैसा नायाब और बेशकीमत हीरा इस घोड़ी के गले में पहनाया गया। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी एक सब्सक्राइब क्लिक हमारी हौसला अफजाई होगी। महाराजा रंजीत सिंह सिख सल्तनत का बानी था और 40 साल तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। रंजीत सिंह घोड़ों का दिलदादा था और कहा जाता है कि रंजीत सिंह पांव जमीन के बजाय रकाब में रखना ज्यादा पसंद करता था और उसके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे। वो थके बगैर घंटों घुड़सवारी कर सकता था। जब उसे कोई परेशानी होती या गुस्सा आता तो वो घुड़सवारी से अपने हवास बहाल करता था और घोड़े की पीठ पर बैठने से उसका दिमाग खूब चलता था। मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही के मौजू पर करना पसंद करता था और उसके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमजोरी है। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रोही और गोहरे बार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों का तो वो गोया दीवाना था और उनको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। महाराजा रंजीत सिंह की एक घोड़ी अस्पे लैला तारीख में काफी मशहूर हुई, जिसके बाहर निकलने से पहले लाहौर की सड़कों को धोया जाता था कि खाक का कोई जर्रा लैला के नथनों में ना जाए। लैला थी भी खूबसूरती में बेमिसाल, मगर महाराजा का उसे पाने का जज्बा भी उतना ही शदीद था। इस घोड़ी के हुस्न का चर्चा फारस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पिशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाज गुजार थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान काचारी की 50,000 रुपए नकद और 50,000 रुपए सालाना जागीर और सुल्तान रूम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पिशावर रंजीत सिंह के जेर नगी हुआ तो उसे लैला का इल्म नहीं था, मगर जब सन 1823 में उसे इसकी खबर मिली तो उसे पाने के लिए मजनू हो गया। यार मोहम्मद के पास रंजीत सिंह ने कई एलची भेजे, माल दौलत की पेशकश की और कई इलाके तक देने का कहा, मगर वो टाल मटोल करता रहा। कभी कहता लैला तो अफगानिस्तान चली गई और कभी कहता वो मर चुकी है। 1826 में बुद्ध सिंह सुंदहरी वालिया की जेर कयादत एक सिख फौज घोड़ी लेने के लिए पिशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। इस मौका पर एक खूनी जंग हुई जिसमें हजारों अफराद मारे गए। पिशावर से लैला को फौरी तौर पर एक खसूसी सवारी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। लैला की आमद पर सिख राजधानी में जश्न का समा था, क्योंकि 60,00,000 रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए थे। जब लैला को महाराजा के स्तबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ेल सी थी और रंजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो उसकी मुती हो गई। उस रोज के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रंजीत सिंह इतने निहाल थे कि उन्होंने 105 केरात का कोहे नूर हीरा
जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दीगर जेवरात के साथ घोड़ी को पहना दिया। उस वक्त के मशहूर शायर कादिर यार ने लैला की तारीफ में नज्म कही और महाराजा से ढेरों इनाम पाया। लैला मजबूत जिस्म, शाकद और फुर्तीली थी। घुटनों पर गोल गोल सोने की चूड़ियां, गहरा सुरमई रंग, स्या टांगे, पूरे 16 हाथ कद था। महाराजा को लैला इतनी पसंद थी कि बाज़ औकात धूप में भी उसकी गर्दन सहलाने और उसकी टांगे दबवाने चले जाते। लैला के लिए रंजीत सिंह की पसंदीदगी का ये आलम था कि उन्होंने अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बगैर इजाजत सवारी करने की पादाश में जायदाद से आग करने तक का ऐलान कर दिया था। रंजीत सिंह पर फालज का हमला हुआ तो कहा जाता है कि जब उन्हें लैला पर बिठाया जाता तो तबीयत हशाश बशाश हो जाती और यूं लगता जैसे वो बीमार ही नहीं। लैला ही आखिरी घोड़ी थी जिस पर महाराजा सवार हुए और लैला के मरने पर महाराजा इतना रोए कि चुप करवाना मुश्किल हुआ। लैला को रियासती एजाज के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। महाराजा रंजीत सिंह की इकलौती वारिस उनकी बेटी बंबा को विरसे में रंजीत सिंह की भुस भरी घोड़ी, लैला और उसका हीरों से मुजयन साजो सामान मिला, जो उसने 1957 में हकूमत पाकिस्तान के सपुर्द कर दिया ताकि उसकी देखभाल की जा सके। इसी दौरान पुरिसरार तौर पर लैला का हीरों से मुजयन साजो सामान चोरी हो गया। ताहम लैला का भुस भरा वजूद और रंजीत सिंह के साथ इस तारीखी घोड़ी की तस्वीर लाहौर के अजायब घर की सिख गैलरी में मौजूद है और 200 साल गुजरने के बाद भी देखने वालों को इंसान और जानवर की लाजवाल मोहब्बत की कहानी सुनाती है। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा।